हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने प्लांट एंड एनिमल सेल के बीच डिफरेंसेस पढ़े थे। अब हम एक-एक करके सभी सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी इसे कहते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन थिन होती है, सेल के चारों तरफ बाइंड होती है। अभी हमने देखा प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है, और कौन सा प्रोटीन होता है? फॉस्फोलिपिड। प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, और ये जो मेम्ब्रेन होती है सबसे बाहर की, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये थिन इलास्टिक लिविंग सेल होती है, लिविंग मेम्ब्रेन होती है, और पोरस होती है, पोर्स होते हैं जिसमें, और इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है। मेनली प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है, और अलग अलग साइंटिस्ट ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग थ्योरीज और मॉडल दिए थे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डेवसन एंड डेनियल का सैंडविच मॉडल, डेनियल एंड डेवसन का सैंडविच मॉडल। और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने बताया था कि दो प्रोटीन लेयर के बीच में फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर प्रेजेंट होती है। जैसे सैंडविच में दो ब्रेड के बीच में मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसी तरह से जैसे ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है, यहां पर दो प्रोटीन लेयर है, ये आउटर प्रोटीन लेयर है और ये इनर प्रोटीन लेयर है। तो दो आउटर और इनर प्रोटीन लेयर के बीच में ये बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है, एक ये लेयर और ये भी दूसरी लेयर, दो फॉस्फोलिपिड की लेयर प्रेजेंट होती है। और जो लिपिड प्रोटीन का थिकनेस है, वो प्रोटीन लेयर की थिकनेस होती है 20 एमस्ट्रॉन्ग, और जो मिडिल लेयर है जो कि फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, इसकी थिकनेस होती है अबाउट 30 एमस्ट्रॉन्ग, और इसकी भी 20 एमस्ट्रॉन्ग। तो इस तरह से जो पूरी सेल मेम्ब्रेन का जो थिकनेस है वो अबाउट 75 एमस्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ पर अगर हम एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखें, तो ये एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, जिसमें इसका दो पार्ट एंड होते हैं। ये वाला जो एंड है इसका, ये वाला जो प्रोटीन की ओर होता है, प्रोटीन लेयर की ओर, इसे कहते हैं हम पोलर एंड, या इसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक एंड। और दूसरा वाला जो ये वाला पोर्शन है जो हाइड्रोकार्बन चेन का बना हुआ होता है, ये नॉन पोलर एंड कहलाता है या हाइड्रोफोबिक एंड कहलाता है। और सभी जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के जो नॉन पोलर एंड है वो सेंटर की ओर होते हैं, नॉन पोलर एंड ये सेंटर की ओर प्रेजेंट है। तो ये स्ट्रक्चर था डेवसन एंड डेनियल के सैंडविच मॉडल का। इसके बाद सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट थे, इन्होंने मॉडल दिया था फ्लूड मोजेक मॉडल। सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूड मोजेक मॉडल प्रपाउंडेड किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और उनका जो मॉडल था वो भी डेवसन और डेनियल के अकॉर्डिंग ही था। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो तरह के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, एक एक्सट्रेंसिक प्रोटीन और दूसरा इंट्रेंसिक प्रोटीन। एक्सट्रेंसिक प्रोटीन ये इनर और आउटर लेयर बनाता है, जो लिपिड के बाहर और अंदर आउटर लेयर और इनर लेयर बनाने का काम करता है एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। और जो इंट्रेंसिक प्रोटीन होता है, ये जो मिडिल में जो फॉस्फोलिपिड की लेयर है उसके बीच बीच में एम्बेडेड रहता है, ये वाला, ये इस तरह से ये दिखाया हुआ है, ये बाहर का इंट्रेंसिक प्रोटीन, ये एक्सट्रेंसिक प्रोटीन है, और ये फॉस्फोलिपिड की लेयर है, दो बाई लेयर है, और इनके बीच बीच में ये वाला जो प्रोटीन दिखाया गया है ये कहलाता है इंट्रेंसिक प्रोटीन। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल हैं, ये सेमी फ्लूड फेजेस में होते हैं, और इंट्रेंसिक प्रोटीन इसमें फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में ये एम्बेडेड रहती हैं, एक एग्जिबिट फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट एग्जिबिट करती हैं, यानी इसमें ये तैरती रहती हैं इंट्रेंसिक प्रोटीन। प्रोटीन की जो लेयर है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, जबकि फॉस्फोलिपिड की जो लेयर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी प्रोवाइड करती है, यानी सेलेक्टिव परमिएबल बनाने का वर्क करती है। तो ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहला फंक्शन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है कि ये क्योंकि सबसे बाहर की ओर होती है, तो ये जो सेल है उसको शेप और साइज प्रोवाइड करती है।
सेल को शेप और साइज प्रोवाइड करती है। सेकंड वर्क है कि ये सेल ऑर्गेनिल्स को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि पूरे सेल के सबसे बाहर कवरिंग लेयर है, तो ये सब जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स है उसका प्रोटेक्शन करती है। ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती है, और इसके थ्रू दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें कि मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू लॉ है, हाई से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट, इसलिए इसमें कोई एनर्जी की नीड नहीं होती है। और इसके एग्जाम्पल है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जो मेथड प्रोसेस है ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में आते हैं, और ये प्रोसेस ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होते हैं। इसी तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी इसी के थ्रू होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के से मूव करते हैं, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। तो लो से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं तो इसके लिए एनर्जी की नीड, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी की नीड होती है, और इसलिए इसमें कैरियर की तरह प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वर्क करते हैं, यानी सब्सटेंस को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर कैरियर प्रोटीन्स ले जाने का वर्क करते हैं। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है ये है एडहेशन का है, यानी दो सेल्स को एक के बीच में एक एडहेशन यानी एक सीमेंटिंग सब्सटेंस बनाती है, जो कि दो सेल्स को एक दूसरे से जोड़ने का वर्क करती है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल्स में मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की ओर इनफोल्डिंग्स हो जाती है, जिसमें कि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको मीजोसोम्स कहा जाता है इनफोल्डिंग्स को, और ये इनमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होता है जिसके कारण कि उनमें रेस्पिरेशन वर्क कंप्लीट होता है। तो इस तरह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है ये एंडोस्मोसिस में हेल्प करती है और एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मींस एंडो यानी कि सब्सटेंस को इनटेक करना, अंदर की ओर लेना, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंडोसाइटोसिस के थ्रू ही, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ये एंडोसाइटोसिस के थ्रू ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सब्सटेंस को अंदर लेते हैं। अब एंडोसाइटोसिस भी टू टाइप का होता है, अगर सेल सॉलिड सब्सटेंस को इनटेक करती है तो इसे कहते हैं फेगोसाइटोसिस, इसे हम सेल ईटिंग कहते हैं, और अगर सेल लिक्विड सब्सटेंस को इनटेक करती है, अंदर की ओर लेती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, तो इसे कहते हैं पिनोसाइटोसिस, इसे कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं सेल ड्रिंकिंग, क्योंकि वो लिक्विड सब्सटेंस को अंदर ले रही है। इसी तरह से इसका जो फंक्शन है एक्सोसाइटोसिस, एक्सो का मतलब बाहर की ओर सब्सटेंस को एक्सपेल करना, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती है, यानी जो वेस्ट मटेरियल है उसको सब्सटेंस को बाहर निकालने का एक्सपेलेशन का भी काम करती है। तो इसे हम कहते हैं सेल वोमिटिंग, कॉमन लैंग्वेज में सेल वोमिटिंग यानी बाहर निकाल रही है। तो ये सारे फंक्शन थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। थैंक यू।